देखिए सीयूटी यूजी की जर्नी एक बहुत बड़ी जर्नी हुई और इस जर्नी को पूरा करने के लिए बहुत लंबे समय से सबको इंतजार करना पड़ा और इंतजार की घड़ी खत्म हुई, हमारा एडमिशन विश्वविद्यालय में हुआ और हम इस समय विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़े, यानी कि आप सभी ये अभिभावक हैं और ये अपनी बिटिया के साथ आए हैं, छोटी बहन का भी एडमिशन इसी विश्वविद्यालय के प्रांगण में हुआ है बीए कोर्स में, साथ ही साथ ये सब भी नए छात्र हैं, ये भी फर्स्ट ईयर के ही हैं। सर से हमने कल मुलाकात की, ऐसे रैंडमली हम जा रहे थे, सर हम मिल गए हमको, फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे, तो एक तरीके से बहुत इमोशनल कनेक्टिविटी जब रहती है एक लंबी जर्नी तय करने के बाद, जब कोई इंसान इलाहाबाद की धरती पर आता है और जब एक सामने से उसके भाव व्यक्त होते हैं तो एक भावनात्मक कनेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। सर एक पेशे से अध्यापक है और सर से ही जानना चाहेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अभिभावक के रूप में भी एक अध्यापक के रूप में और एक बिहार के ही हैं सर और बाहर से यहाँ पर आए हैं, तो क्या कैसे इनको फील हो रहा है इनके विषय में जानेंगे। सर कुछ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। मेरा नाम राकेश कुमार है, हम जो है आपका एनालिसिस है हर हमेशा सुनते रहते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमको बहुत अच्छा लगता है आपकी नम्रता, आपका व्यवहार, आपकी विचार, आप जो भी मार्गदर्शक के रूप में जो प्रस्तुत करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में, वह मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। मतलब ये तो आप तारीफ ही कर रहे हैं, तारीफ नहीं, मतलब आप अपना भाव बताइए सर कि मतलब कैसा आप, मतलब आप जैसे कल हमसे मिले थे, जो फिर चीजें रही, एक जर्नी जो होती है कट ऑफ ऊपर नीचे जाती है, इंसान अजनबी शहर में आता है और बहुत सपना लेकर भी आप आए होंगे, क्योंकि इतनी दूर आप छोड़ के जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर ही बच्ची करे यही आप सोचे होंगे, तो मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप देखते थे, जब वॉच करते थे, तो क्या मतलब जो एक्सपीरियंस रहा? हम तो पहले अंदर से घबरा गए थे कि मेरी बेटी का नामांकन विश्वविद्यालय मेन कैंपस में होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब हम आपके एनालिसिस सुने तो आप बोलते थे कि आप जो है अभिभावक लोग बच्चे को कोसे नहीं, हम कोसते नहीं थे, हम धैर्य रखे, आपके कथना अनुसार काम किए, जिसका परिणाम जो है आज सामने आया है और मेरी बेटी का नामांकन जो है विश्वविद्यालय मेन कैंपस में हुआ है, इसके लिए सहृदय आभार और धन्यवाद है आपको। नहीं मेरा तो कोई रोल नहीं रहा, बस हम तो सूचना सूचना दे रहे थे आपको, बाकी मेहनत तो आप जो भी सूचना देते हैं उसी का हम फॉलो किए हैं, मेरी ड्यूटी फॉलो की है, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरी बेटी के लिए सौभाग्य की बात है कि इसका सिलेक्शन मेन कैंपस में हुआ है, मेरा आशीर्वाद है बेटी को कि बेटी पढ़े लिखे आगे बढ़े। नहीं ये तो अच्छी बात है और माता भी इनकी आई है, मम्मी भी आई है, भाई भी आया है छोड़ने, जी जी, तो कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, जी जी। मतलब जब घर से आप निकल रहे थे क्या सोचे थे कि आप हमको मिल जाएंगे? ऐसा हुआ जब हम घर से चले तो एनालिसिस जो है हम गाड़ी में देखते आए, ये अभिनव सर का यूट्यूब हम चैनल देखते रहे, उसमें मेरे दिल में बैठ गया कि हम चल रहे हैं तो अभिनव सर से मुलाकात होगी कि नहीं होगी, लेकिन कल जब हम आए मेन कैंपस की तरफ बैंक रोड जब हम घूम रहे थे तो लाला चुंगी चौक के पास जब हम आए तो दिल में ऑटोमेटिकली जो है हमको आया कि अभिनव सर से जो है हमको मुलाकात हो जाती, तब तक हम किसी छात्रा से बात कर रहे थे यहाँ की विधि व्यवस्था के बारे में, तब तक अभिनव सर जो है आप मेरे सामने आ गए, हमको इतना खुशी हुई, हमको लगा कि कोई चीज मिल गया, अब हमारी सारी समस्या जो है यहाँ सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं नहीं, हम तो आपके ही बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे हैं वैसे हमारे भी आप पिता तुल्य ही हैं, तो मतलब अच्छा रहे कि भविष्य बहुत उज्ज्वल रहे और इस जर्नी में हम लोग जितना भी मदद हो पाएगा हम लोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये भी है आपका ईयर फर्स्ट ईयर दोनों का, तो एनरोलमेंट हो गया, जर्नी कैसी रही सीयूटी की? बस भैया आपकी वीडियो देखे तो पता चलता रहा, वरना नोटिफिकेशन तो कम ही आ रहा था यूनिवर्सिटी से, आपकी वीडियो शुरुआत में बहुत पैनिक होता था कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्यों नंबर कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा था, तो बहुत पैनिक होता था, तो परेशान होते थे, तो आपकी वीडियो देखे थे, आप कहते आराम से रहो, पैनिक मत करो, आएगा सबका नंबर आएगा। आ गया ना, देखो कट ऑफ तो बहुत नीचे आ गई, जितना मैंने प्रेडिक्ट किया था कट ऑफ था, वो बता रहे थे कि इतना कट ऑफ है, आप घबराइए मत, मेन कैंपस में सिलेक्शन होगा, बच्चों को कोसिए मत, बच्चा जो है खुद जो है फॉलो करे मेरे वीडियो का, हो गया सिलेक्शन एकदम हुआ। चलिए थैंक यू इधर उधर नंबरिंग, बस उतना ही रहा। तो ये सब एक्सपीरियंस थे आपके, आप बेहतर क्या बनने आए हैं, मतलब सिविल सिविल सर्विसेज की, सबका सिविल ही सपना रहता है। बिट्टी तुम्हारा क्या सपना है? मेरा भी सिविल सर्विस। सपना पूरा करोगी ना पापा का? पक्का? खूब जी तोड़ मेहनत करोगी ना? गुड। मम्मी क्या बोलना चाहेंगी माता जी आप अपनी बिटिया के लिए, छोड़ के तो जा रही हैं? छोड़ के तो जा रहा हूं, अच्छा
अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन कुछ नहीं, मतलब एक बड़ी छलांग मारने के लिए कुछ ना कुछ त्याग तो करना ही पड़ेगा एक तरह से। आ जाएगा, आ जाएगा। मैंने एक गोल्ड मेडल का वीडियो भी बनाया है कि कैसे गोल्ड मेडल, अच्छा अच्छे से राइटिंग स्किल करना, बाकी हम लोग आपकी मदद बहुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।